भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह के किस किस से संपर्क हैं इसकी अभी जांच हो रही है। दिग्विजय सिंह के केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के तालिबान से संपर्क होने और उसकी जांच करने के ट्वीट पर कैलाश विजयवर्गीय ने यह बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि कौन सी जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है तो भाजपा नेता ने कहा कि अभी कुछ बातें हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह किस किस के संपर्क में है इस मामले की जांच चल रही है। दिग्विजय सिंह के केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के तालिबान के संपर्क में होने और उसकी जांच करने के ट्वीट पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा दिग्विजय सिंह किस किस के संपर्क में हैं अभी तो इसकी जांच ही हो रही है। उन्होंने कहा अभी कुछ बातें हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। अभी तो दिग्विजय सिंह की जांच हो रही है वो किस किस के संपर्क। महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से बातचीत करने की सलाह पर उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का रुख बिल्कुल साफ है, इसमें महबूबा मुफ्ती की सलाह की जरूरत नहीं है। शरद पवार के साथ और कांग्रेसी विपक्षी दलों की बैठक और पूर्व सीएम कमलनाथ की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि यह बात तो साफ है कि विपक्षी दलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर घबराहट है। ऐसा है कि हमारी इस विषय में केंद्र सरकार का निर्णय बहुत साफ है कि किससे बात करना और किससे नहीं करना। इसमें हमें महबूबा जी के सलाह की कोई आवश्यकता, सरकार ने अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी। देखिए विपक्ष में घबराहट तो है ही क्योंकि मोदी जी की इतनी टावरिंग पर्सनैलिटी, आने वाले चुनाव में विपक्ष का एक भी ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी के घुटने तक भी लगता हो, और इसलिए विपक्ष में घबराहट तो है। सब चाहते हैं कि मोदी जी को हम कैसे हराएं, तो अलग अलग लोग प्रयास कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।